फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और मैं लाया हूं आपके लिए जेई का अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा। तो हम सबसे पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक बातें डिफरेंशिएशन की मालूम होंगी क्योंकि क्लास 11 में भी आपने डिफरेंशिएशन देखा। तो डिफरेंशिएशन में जैसे आपको प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, सिंपल डेरिवेटिव्स, ये तो सब मालूम है। अब जैसे कि चेन रूल है, चेन रूल का मैं एक आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, तो आप सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि एक ऐसा मान लें कि एक बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़े किले के अंदर छोटा किला है, छोटे किले के अंदर और छोटा है, उसके अंदर और छोटा है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। तो जब डिफरेंशिएशन होगा यानी इसके ऊपर जब हमला होगा तो सबसे पहले कौन सी चीज टूटेगी, ये चीज डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म हो जाएगी मतलब ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, लेकिन अंदर वाले को कुछ भी नहीं होगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एच ऑफ एक्स। पर अभी हमला कहां तक होगा, जब तक कि एक्स पकड़ में नहीं आता। एक्स कब पकड़ में आएगा, तो अब इसके बाद किसको, जो हमलावर है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर वाले को। जब वो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेगा मतलब जी को डिफरेंशिएट करेगा, तो जी को जब वो डिफरेंशिएट करेगा तो ऐसा हो जाएगा जी डैश, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन एच ऑफ एक्स। अब क्या पूरा उसने डिफरेंस पूरा हमला कर दिया क्या, आखिरी तक पहुंच गया क्या, नहीं। अब किसकी बारी आई, अब बारी आएगी इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करने की, किसको डिफरेंशिएट करने की, एच ऑफ एक्स को। तो एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एच डैश एक्स, एच डैश एक्स। तो आखिरी तक पहुंच गया, अब आखिरी में कौन मिला उसको, एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो ये था इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन की डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। अब एक मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं जो कि जेई में आया हुआ है कि y इज इक्वल टू दिया है आपको एफ ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और आपको निकालना है एफ डैश एक्स, सॉरी डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, dy by dx की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो JEE में आया हुआ है, ये JEE का क्वेश्चन है, इस तरह से आप देख सकते हैं y is equal to, आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको करीब लाता हूं, y is equal to f of 2x minus 1 upon x square plus 1 और f dash x से sin square x और dy by dx आपसे पूछा गया। तो जब JEE में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आया करते थे, ये क्वेश्चन तब का है, इसलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, पर इस क्वेश्चन से इसकी कंटिन्यूटी बराबर बनती है, इसलिए हम इस पे जोर देते हैं कि आपको एक पंथ दो काज हो जाए और आपको ये मेरी बात समझ में आ जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाय डी एक्स, इसमें डी बाय डी एक्स लगा दिया, डी बाय डी एक्स किस में लग जाएगा आपका, डी बाय डी एक्स लग जाएगा आपका एफ ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन में। अब आप इसका डिफरेंशिएशन चालू करो, एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन विल रिमेन एज इट इज, इसका कुछ भी नहीं होगा मालूम है आपको, क्यों, क्योंकि पहले बाहर वाले पे हमला होगा, अंदर वाला विल रिमेन एज इट इज। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाले का, तो अंदर वाले के लिए क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, इसका कुछ भी नहीं होगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर कौन है, टू एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन माइनस जीरो,
माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर मींस सॉरी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x। अब अपना सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो चालू रहेगा, और f डैश की वैल्यू तो देखिए आप f डैश x क्या है, f डैश x इज साइन स्क्वायर x, तो f डैश ऑफ दिस मच विल बी साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसमें साइन स्क्वायर x की जगह ही आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी नहीं करना, x की जगह यहां x है तो यहां इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ दिस, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर से ये 4x स्क्वायर माइनस कर दें और जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख दें, साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपके पास 2 माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बड़े आसानी से कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन आपको मैंने समझाया इसलिए थोड़ा सा आपको समय लगा, वरना आप करेंगे तो आप चुटकियों में कर लेंगे, विद इन अ मिनट यू विल बी एबल टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर। तो इससे हमको दो फायदे हुए, चेन रूल भी समझ में आया और एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी समझ में आया। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, दो क्वेश्चन नंबर 2 जो ये है 2015 में आया है, 2015 में आया है तो बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। क्या क्वेश्चन है आप बुक में चेक भी कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन है कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, क्या क्वेश्चन है जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डैश एक्स इज, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दी है अपने को 1/1 + x^5, ऐसी वैल्यू दी हुई है 1/1 + x^5, और आपसे क्या पूछा उन्होंने कि आप फाइंड करिए जी डैश एक्स, फाइंड जी डैश एक्स, एक नंबर प्रॉब्लम 2015 में आया है, 2015 में देखो कितनी कितनी सारी चीजें हैं, जी इनवर्स है एफ का, फंक्शन भी आ गया और उसके बाद क्या आ गया डेरिवेटिव्स भी आ गया, चेन रूल भी आ गया, इतनी सारी चीजें हैं और नेचुरली 2015 का है तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसके ऑप्शंस जो हैं 1 + x^5 ए ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो है 5x^4, ऐसे ऐसे लुभावने आंसर भी हैं कि जो बच्चों को बहुत अधिक आकर्षित करेंगे, 1/1 + gx^5, और डी ऑप्शन है 1 + gx^5। आप बिल्कुल बेखौफ बेहिचक होकर के अपनी बुक देख सकते हैं, रेफरेंस देख सकते हैं और फिर मुझे लिख सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियोस जो बनाना है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड है इसमें आपकी स्टडी सफर ना करे, आप जैसे ही इंस्टीट्यूशन खुले तुरंत से आप अपना काम आगे बढ़ा लें, और आपको बहुत सारी बातें पहले से ही मालूम हो तो आप अपनी जो एग्जाम है उस कोर्स के लिए सफर नहीं करेंगे। तो आइए इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको समझते हैं, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, हो सकता है ये नई चीज हो आपके लिए, इनवर्स फंक्शन, तो आपको मालूम है जैसे 2 इज इनवर्स ऑफ 1/2, तो 2 × 1/2 कितना हो जाता है 2 × 1/2 हो जाता है 1। इसी तरीके से अगर जी इनवर्स है तो इसका मैं सोल्यूशन बताता हूं आपको, जी बीइंग इनवर्स ऑफ एफ, जी अगर एफ का इनवर्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स, कैसे इसको और आसानी से समझ सकते हैं, एक्स गया एफ उधर लेके गया, एक्स को क्या बना दिया उसने एफ एक्स, एफ एक्स को कौन लेके आया जी लेके आया इधर, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा एक्स, और ऐसे ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो भी एक्स होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। तो इनवर्स में जैसे आपको मालूम ना ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है ए इंटू इनवर्स ऑफ ए, मैं ऐसा लिख देता हूं इनवर्स ऑफ ए, ए इंटू इनवर्स ऑफ ए क्या होगा 1, इनवर्स ऑफ ए इंटू ए
वन। वैसे इसमें ऐसा होता है इनवर्स में कि अगर एफ जी का इनवर्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। पर अपने से पूछा क्या है उन्होंने, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन पूछा ना, तो बराबर से इसका डिफरेंशिएशन है, तो अपन इसको एक काम करो डिफरेंशिएट कर दो। और देखो बहुत समय नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत आसानी से यूं चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। आपको ट्रिक पता हो कि जी डैश एफ ऑफ एक्स, ये इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जी के ऊपर पहले हमला हुआ जी डैश, फिर क्या होगा, फिर एफ डैश, एकदम सही पहचाने, क्योंकि एफ एक्स का हुआ, फिर किसका होता है एक्स का, एक्स का वन हो जाता है, तो फिर कोई कहने की बात ही नहीं है, इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों का करना है ना भाई, बैलेंस भी तो बनाना है, बैलेंस नहीं बनाए तो ये कोरोना टाइप की बीमारी हो जाएगी, बैलेंस बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बैलेंस जैसा नेचर बैलेंस बनाती वैसे हम भी बैलेंस बना रहे, लेफ्ट साइड का किया तो राइट साइड का भी करना है, तो राइट साइड का डिफरेंशिएशन वन हो गया। अपने को किसकी वैल्यू निकालना है, जी डैश एक्स की, तो जी डैश वाले मसाले को इधर रखते हैं, इसको उधर भेज दो, जी डैश एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स, बहुत शानदार लगेगा और आपको सब समझ में आ जाएगा, चुटकियों में आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप चिंता ही नहीं करो। वन अपॉन एफ डैश की वैल्यू क्या है, चलो देखो एफ डैश की वैल्यू देख के बताओ, एफ डैश की वैल्यू है बिल्कुल सही वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर फाइव। पर ये अपना आंसर क्या है बताओ, अच्छा ये अपना आंसर आया, अपने पास आया आंसर जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर फाइव आ गया। पर अपने को ये चाहिए क्या, नहीं अपने को क्या चाहिए, चलो अपने को क्या होना, अपने को तो क्या होना जी डैश एक्स होना। तो जी डैश एक्स होने के लिए थोड़ा दिमाग भी लगा लो, क्या दिमाग लगाएंगे अपन, सॉरी ये एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या लिखा है, वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर फाइव, चलो तो ये यहां पर उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि वन अपॉन नीचे आएगा तो वन प्लस एक्स टू द पावर फाइव, क्योंकि ये वन अपॉन एफ डैश एक्स है ना, तुमने दिलाया नहीं याद इसलिए हो गई गड़बड़। चलो अभी तक देखो जी डैश एफ ऑफ एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर फाइव, तो ध्यान से देखें अब हम एक्स की जगह क्या रख देते हैं, ये भी मिटाना पड़ेगा वन प्लस एक्स टू द पावर फाइव, एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, एक्स की जगह रख देते हैं अपन जी ऑफ एक्स, देखो चमत्कार होने वाला है, कैसे हो जाएगा चमत्कार, x की जगह रख दिया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहां आ जाएगा आपके पास 1 प्लस जी ऑफ एक्स टू द पावर 5। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, यहां देखो ये क्यों लिखा था, सीक्रेट कोड, ये सीक्रेट कोड देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो गया, x हो गया, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स टू द पावर फाइव, ये देखो आपका डेरिवेटिव आ गया, बिल्कुल आसान, कैसे देखो एकदम से एकदम देख समझते हैं, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी और एफ कट गए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ और जी कट गए, एक्स आ गया। जी डैश अब अपने को जो दिया था, क्या दिया था अपने को, दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है अपने पास, जी डैश एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन, एफ डैश एक्स नीचे चला गया, जी डैश एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां लिख की है, एफ डैश एक्स की वन अपॉन वन प्लस है, तो ये वन अपॉन एफ डैश है, तो उल्टी हो गई वैल्यू। अब अपने क्या किया, एक ही दिमाग लगाना है बस, वो क्या दिमाग लगाना है, एक्स की जगह क्या रख दें, जी एक्स, क्यों, क्योंकि अपने को जी डैश के अंदर क्या चाहिए, जी डैश के अंदर अपने को चाहिए एक्स, और ये यहां है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स, तो यही ट्रिक है कि एक्स की जगह क्या रख दिया, जी एक्स, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ और जी कट गए तो क्या आ गया, x, g डैश x, ये वैल्यू आ गई, इधर भी x, x की जगह रखना है अपने को g ऑफ x, इधर भी रखना है, वही बैलेंस की थ्योरी। तो ये आपका आंसर है और सही आंसर है आपका d। तो इस तरीके से देखा हमने कि क्वेश्चन नंबर 2 कितने आसानी से हमने सॉल्व किया और चेन रूल का कैसा उम्दा प्रयोग किया, चेन रूल का हमने बेस्ट यूज किया और इस क्वेश्चन को देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है पर वो भी बहुत शानदार है, उसमें भी चेन रूल लगेगा और आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन 2003 में आया है, 2007 में आया है, तो वो और भी यूजफुल हो जाता है, डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालने को कहते हैं कि डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, और इसके पीछे जो जो ऑब्जेक्ट जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है ए,
डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस वन, बी सेकेंड ऑप्शन है माइनस डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर माइनस थ्री, थर्ड ऑप्शन है आपका डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर माइनस टू, और लास्ट ऑप्शन है माइनस डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर माइनस थ्री। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है वो हमको बताना है। अभी तो अपने तो सूझ में नहीं पड़ता, दिमाग में ही नहीं आता कि होता क्या है, वैसे ही लगता है कि अरे इसका आंसर ये होगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बिल्कुल दिमाग ऐसा नहीं खर्च करना, बहुत आसानी से हम इसको समझ लेंगे। आप देखिए मेरे साथ बने रहिए। आप डीवाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं आप डी एक्स बाय डी वाई टू द पावर माइनस वन, उल्टा कर दिया हमने। और डीएक्स बाय डीवाई को क्या लिख सकते हैं आप, डीएक्स बाय डीवाई को लिख सकते हैं डीवाई बाय डीएक्स टू द पावर माइनस वन, बराबर। ये डीएक्स बाय डीवाई इसलिए लिखा क्योंकि हमको इसकी जरूरत है डी टू एक्स बाय डीवाई स्क्वायर की। तो डी टू एक्स बाय डीवाई स्क्वायर क्या होता है जरा देखते हैं अपन। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d बाय डी वाई, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। लिखा है इसमें d2 का मतलब है दो बार और विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पे d dy कर दो, यहां पे भी कर दिया, यहां पे भी कर दिया, तो ये हो जाएगा अपना d2x टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। डी टू ऐसा लिख देंगे इसको d2x टू एक्स डी वाई स्क्वायर। ये मत सोचना कि d इंटू डी डी स्क्वायर हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर, ये नोटेशन है, ये बताता है कि दो बार डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहां पे भी अपन कर देते हैं, क्या कर देते हैं चलो देखते हैं, यहां पे भी करना पड़ेगा ना बैलेंस की थ्योरी। डी बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी माइनस वन, ठीक है। तो इसमें वाई किसका फंक्शन है, वाई यूजुअली किसका फंक्शन बनता है, वाई यूजुअली बनता है एक्स का फंक्शन बनता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो इसमें पता चल रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि dy बाई dx का मतलब ही होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये किसका फंक्शन है अच्छा बताओ, ये x का फंक्शन है, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y के, नहीं चलेगा। तो फिर इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करने का एक उपाय, इसको उपाय ऐसा है कि इसको डी डी एक्स लिख दो, डी एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अंदर वाला मसाला किसका है, अंदर वाला मसाला x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, इसलिए इसको बाहर भी ऐसा किया। पर ये dy कहां जाएगा, ये dy यहां आ जाएगा बराबर, और ये dx कहां जाएगा, ये जो dx आपने इधर डिवाइड किया वही बैलेंस की थ्योरी। तो ये dx यहां मल्टीप्लाई कर दो, फिर से समझो, ये dx इधर किया तो इधर कर दिया, ये dy इधर से इधर चला गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको सीक्रेट मालूम है y इज अ फंक्शन ऑफ x, जब y x का फंक्शन होता तभी तो dy बाई डी एक्स निकालते, तो dy बाई डी एक्स निकालते ही जब है, जब y किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है, तो y x का फंक्शन इससे पता चल गया, और हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, y के, जो कि नहीं चलेगा। तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डी डी एक्स लिख दिया, x के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो x के रिस्पेक्ट में जब हमने डिफ्रेंशिएट किया या डिवाइड किया, तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई किया, और जो dy था वो उधर भेज दिया। अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स की पावर माइनस टू, जैसा चेन रूल, पहले पावर का, पहले बाहर वाली चीज का, बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का। तो अंदर कौन है, dy बाई डी एक्स, इसका कौन, इसका होगा dy बाई डी एक्स, किसका, अंदर वाले का, इसका होगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, मेरे साथ बने रहो, और आप कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को लिख के भेजिए, और आप आंसर पाइए, मैं हूं आपके साथ 24 घंटे में आपके लिए खड़ा हूं, आप बिल्कुल परवाह नहीं करना। आप तो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बच्चे हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। ये देखिए आप डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, अब क्या बोल रहा है ये,
कि जो डी बाई डी एक्स हुआ वाई का, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो वही वाली बात ना जो मैंने यहां बोली थी, दो बार लिखा है जैसे डी टू बाई डी वाई स्क्वायर, तो यहां पे क्या जाएगा अपने पास, यहां पे आ जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। वही डी इन टू डी डी स्क्वायर मत समझ लेना, इसका मतलब है दो बार डिफरेंशिएट करना इन टू डी एक्स बाय डी वाई। अब डी एक्स बाय डी वाई पीछे जाओ, इधर देखो dx by dy क्या लिखा है, dx by dy लिखा है dy by dx की पावर माइनस वन, तो यहां पे लिख दो dy by dx की पावर माइनस वन। याद रहे इसके लिए मैं लिख देता हूं कहां से लिखा मैंने, इसके लिए लिख दिया मैंने यहां से फ्रॉम वन। वैसे तो आपको सब याद है, आप बहुत होशियार बच्चे हो, आपके लिए सब बाएं हाथ का खेल है। अब अगर इसको इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा अपने पास, जरा देखो ये जाएगा माइनस dy by dx की पावर माइनस थ्री, ये माइनस टू और वो माइनस वन, माइनस थ्री, और ये डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो फिर कौन सा सही आ गया, अब आप खुद ही पहचान लो, सही आंसर है आपका डी। आप ये मत सोचो बहुत टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, मेरा यकीन करो आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चुटकियों में कैसे सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो उसकी तरकीब है कि आप थोड़ी सी माइंडसेट बनाएं। मैं बेसिक बात बोलता हूं, अपने दिमाग में बिठा लेना, कभी कोई गलती नहीं होगी। क्या है ध्यान से देखो, आपको क्या पूछा डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, उल्टी बात पूछ रहा है, एक्स डिपेंडेंट वाई इंडिपेंडेंट, और हम क्या पढ़ते हैं वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं अपन। डी एक्स बाय डी वाई कहां लिखते हैं, तो डी एक्स बाय डी वाई का मतलब तो सही है, इसका मतलब ये होता है, पर इसका ये मतलब नहीं होता है। किसका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं होता है, डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर का पावर माइनस वन होगा, है ना, देखो ऐसा नहीं होता है, और ना इसका ये मतलब होता है। तो इसलिए मनपसंद आंसर भी बच्चों के लिए रख देते हैं वो, कि जिस बच्चे को ज्यादा मेहनत नहीं करना हो तो उसको मनपसंद आंसर दें और वो आगे बढ़े, पर ऐसा नहीं होता, तो इसलिए आप ये वाले आंसर पे तो जाए नहीं। अब अपन यहां आगे आ गए, एक्स किसका फंक्शन बना दिया अपन ने, y का, उल्टा काम किया। अब हमको किसके रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो अपन यहां तक अगर आ गए तो इसके बाद अपनी बुद्धि चलेगी कि डी डी वाई करना है इसका, डी डी वाई का मतलब डी अपॉन डी वाई, इसका एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप क्या है, डी डी वाई, डी डी वाई, डी अपॉन डी।